शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तुम्हारी ये खुशबू सीमा पागल कर देती है मुझे। कल जो सूरज ने तुम्हारे साथ किया ना, वो सोचकर मुझे इतना गुस्सा आ रहा है ना कि मन करता कि अभी जाकर उसे मार दूं। मुझे भी नहीं रहना उसके साथ। पता है जब वो मेरे करीब आता है ना, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, दम घुटता है मेरा। रवि प्लीज जल्दी कुछ करो ना। काजल तुम कब आई? आप दोनों यहाँ क्या कर रहे? वो काजल, वो हम लोग फ्रेश हवा खाने आए थे। तुम जाओ, हम बस आते। भैया ये कुछ केस के पेपर्स है, इन पर आपकी साइन चाहिए, आप प्लीज कर दीजिए। हाँ, मैंने कोर्ट में सबमिट कर कर आती। ठीक। मैं तुम हो ना यहाँ? हाँ मैं इधर ही हूँ। सीमा मैं कुछ थक गया हूँ, मैं रूम में जा रहा हूँ आराम करने। मैं छोड़ दूँ आपको? नहीं मैं चला जाऊंगा। ठीक से जाना। सुनो ना, कितने दिन से कहीं घूमने नहीं गई हूँ, कहीं चले घूमने? पहले काम हो जाने दो, सूरज को अस्त होने दो, फिर हम भी मस्त हो जाएंगे। कब से यही सुन रही हूँ। बस धमाका होने वाला है। आपको अच्छा लग रहा है ना? टेंशन का माहौल है, यहाँ आके कुछ अच्छा फील करता हूँ। हाँ हम आया करेंगे, थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाता। अच्छा भैया सुनिए ना, आप यहाँ रुकिए, मैं आपके लिए नारियल पानी लेके आती हूँ। ठीक। चले घूमने? भी नहीं, पहले काम हो जाने दो, सूरज को अस्त होने दो। मेरे भाई और मेरी बीवी ने मेरे साथ धोखा किया, मैंने इनको जान से ज्यादा प्यार किया और इन लोगों ने मेरे साथ।
भैया 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 क्या हो गया? भैया किसने किया? आप ठीक हो? पता नहीं किसने किया। उठो उठो भैया। ये लीजिए दवाई। जरूर उस अग्रवाल का काम होगा। भैया के ना देख पाने का पूरा फायदा उठा रहे हैं। पिछली बार भी उसी के आदमियों ने हमला करवाया था और आज फिर से। हेलो भैया, क्या हुआ? कुछ नहीं। किसका कॉल था? हाँ सूरज जी। वकील साहब, मुझे पता चल गया कि मुझ पर हमले कौन करवा रहा है। क्या बात कर रहे हो? कौन है वो? आप भी उसे अच्छी तरह जानते हैं। हमें आपके बयान लेने होंगे। मेरे भाई का कातिल किसी भी हाल में बचना नहीं चाहिए। हम जल्द से जल्द कोशिश करेंगे उस कातिल तक पहुंचने की। फिलहाल हमें बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाना होगा। दीदी संभालो अपने आप को। बस नहीं चलेगा दीदी, संभालो, बस करो दीदी। सर, कुछ पता चला? जी, हमारी इन्वेस्टिगेशन से हमें ठोस सबूत मिले। लगता कातिल हमारे बहुत करीब है। क्या क्या सबूत मिला है आपको? ये फोन, इसमें हमें रिकॉर्डिंग मिली है जिसमें सीमा और रवि ने सूरज को मारने का प्लान किया था। ये सुनिए। चले घूमने? भी नहीं, पहले काम हो जाने दो, सूरज को अस्त होने दो। सर, मेरा और भाभी का अफेयर है और हमने प्लानिंग बनाई थी भैया को मारने की, लेकिन ये सच है कि हमने भैया को नहीं मारा।
वो हम जानते हैं। आप जानते हैं किसने मारा सूरज को, बताइए ना। किसी और ने नहीं, काजल ने मारा सूरज को। क्या? इंस्पेक्टर साहब, ये आप क्या बोल रहे हैं? काजल ऐसा क्यों करेगी? काजल कुछ नहीं किया। काजल जी, बताइए नहीं कातिल कौन है? तो जान दिया है ना, बताइए। मुझे पहले से पता था कि मेरे पति और दीदी का अफेयर है। इतना ही नहीं, इन्होंने सूरज की पूरी प्रॉपर्टी धोखे से अपने नाम करवा ली। मुझे बहुत अजीब लगा, मैंने सूरज से पूछा, इन दोनों को फंसाकर जेल भेजने के बाद पूरी प्रॉपर्टी पर ऐश करने का इनका इरादा था, क्यों काजल जी? सही कहा ना मैंने? भैया, ये कुछ केस के पेपर्स हैं, इन पर आपकी साइन चाहिए, आप प्लीज कर दीजिए। कोर्ट में गलती से काजल की फाइल देखते वक्त मैंने वो पेपर देख लिए थे। मुझे बहुत अजीब लगा, मैंने सूरज से पूछा, आपने पूरी प्रॉपर्टी काजल के नाम कर दी है क्या? नहीं तो? मुझे पेपर्स मिले हैं जिस पर आपके ही साइन है। वकील साहब, मुझे पहले ही एहसास हो गया था कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि मुझ पर दो बार जो हमला हुआ, दोनों में हमला करने वाले के परफ्यूम की खुशबू एक ही थी। सब समझ गया मैं। सीमा और रवि ने जिस तरह सूरज को मारने का प्लान किया, कानून की नजर में उतने ही गुनहगार आप भी हो जितने कि ये काजल है। इसलिए हम काजल के साथ आप दोनों को भी अरेस्ट कर रहे हैं। हवलदार, ले चलो इन तीनों को। बट इंस्पेक्टर साहब, मैंने कुछ किया नहीं। बट सुन,